सालों से धर्मशाला की डंपिंग साइट पर पड़े कूड़े को अलग किया जाएगा, जिसमें गले सड़े कूड़े को अलग और प्लास्टिक कूड़े को अलग रखा जाएगा, क्योंकि भविष्य में धर्मशाला नगर निगम गले सड़े कूड़े से खाद तैयार करेगी। हालांकि इस योजना के सिर चढ़ने में अभी जरूर समय लगेगा, लेकिन कूड़े को अलग किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कोतवाली बाजार के निवासियों को जरूर राहत की सांस मिलेगी। जब इस बारे में नगर निगम के महापौर रंजनी व्यास से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहां गर्मियों के सीजन में आग लगना शुरू हो गई थी, जिसे बुझाने के लिए जहां अग्निशमन कर्मियों को करीब एक सप्ताह तक मशक्कत करनी पड़ी थी, वहीं ये आग लगने से निकलने वाले धुएं के कारण कोतवाली बाजार के बाशिंदों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब नगर निगम यहां कूड़े को अलग करने का कार्य शुरू करेगा। इसके लिए डंपिंग साइट में जेसीबी लगाकर कूड़े के डंप को पीछे किया गया है, ताकि कूड़े को अलग करने के कार्य में किसी प्रकार की समस्या ना आए। आपको बता दें कि शहर का दायरा तो बढ़ गया है, लेकिन अभी तक पुराने ही डंपिंग साइट में शहर के कूड़े को एकत्रित कर फेंका जा रहा था, इससे डंपिंग साइट भी पूरी तरह भर गई थी। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा जल्द ही 25 लाख की एक मशीन को खरीदा जाएगा, जो कूड़े को खाद के रूप में बदल देगी। ये नगर निगम के हमारे कर्मचारी काफी मशक्कत से उस पर काम में लगे हुए हैं, और अभी हमने वहां पे बदबू न फैले, ज्यादा कचरा न इकट्ठा हो, उसके लिए हमने पिछले 3-4 महीनों से हमारी डोर टू डोर कलेक्शन चली हुई है, और साथ में सेग्रीगेशन भी साथ साथ चला हुआ है, ताकि जो भी गलने सड़ने वाला मटेरियल है वो हमारी डंपिंग साइट में ना जाए, और हम जो भी सूखा मटेरियल है वही हम उसमें फेंकें। तो ये जो चीजें अभी तक हमें डंपिंग साइट का उस तरह से कोई बड़ा एरिया हमें मिल नहीं पा रहा है, काफी दिनों से हम उस बड़े एरिया की तलाश में हैं कि ताकि हमें वो एक सुरक्षित स्थान मिल जाए जहां पे वो काफी आबादी से दूर हो और वहां पे हम अपने कचरे को फेंके। और दूसरा, हम एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 25 लाख के आसपास है, जो कचरे को कम्पोस्ट खाद में बदलती है, तो वो हम एक मशीन भी ले रहे हैं ताकि हम जो भी कचरा वहां पे आ रहा है उस कचरे से हम कंपोस्ट खाद बना के लोगों को दे, ताकि लोग उस खाद को अपने खेतों में इस्तेमाल करें। तो इस पे जो सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन हमारा चला हुआ है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, और काफी हद तक जो समस्या का जो समाधान है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। के पीछे हमने देखा था कि डंपिंग साइट में बार बार आग लग रही है, और जब आग लगने के कारणों का पता चला तो हमें पता चला कि इसमें मीथेन गैस तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से आग लगती है, और काफी मशक्कत के बाद भी आग बंद नहीं होती थी। तो अभी खैर कंट्रोल हुआ उस आग पे, लेकिन दोबारा आग न लगे इसको लेके हमारे जो हेल्थ ऑफिसर है उनसे मेरी बात हो रही थी कि एक ऐसा केमिकल है, उस केमिकल के छिड़काव से जो कचरा है वो अंदर अंदर ही गल जाता है, और जिससे आग नहीं लगती है। तो उस केमिकल का वहां पे छिड़काव करेंगे ताकि जो हमारी डंपिंग साइट है वहां पे मीथेन गैस न तैयार हो और आग न लगे।